लोग इंटरनल वोट आउट करोगे? इंटरनल वोट आउट मैं तो नहीं करूंगा भाई, मतलब आप हम ही को टारगेट करोगे ना एट द एंड? ट्रू, आप भी अगर आपको करना होगा आप इंटरनल वोट डाल दोगे? भाई इंटरनल में लगता कि हमें डालना तो क्यों नहीं डालते, तुम्हारी सिचुएशन में रहते, इसमें चार लोग हैं ऑलरेडी सबसे ज्यादा नंबर्स में। एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, अब हम दोनों सेफ है, हम वाशु आज के वोट आउट में फाइनल है, हमारे पास रोडियम है, तनु सेव हो जाएगी, ठीक, प्राक्रम भाई फिनाले में, यानी तुम टेक्निकली डायरेक्ट ये कहना चाह रहे हो कि तुम सचिन भाई को टारगेट करोगे? जरूरी नहीं है ब्रो, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा हो कि एक बोली लगे दोनों में से एक, तुम इंटरनल नहीं करोगे ना तो तुम सचिन भाई को करोगे, इसका मतलब अगर किसी वीक को भी निकाला जाए और इंटरनल डाला जाए शी इज ओके विद दैट, तो ऐसा कोई हो ना इंटरनल के लिए एट लास्ट, क्योंकि इसके बाद गेम इंडिविजुअल होने वाला है। इंडिविजुअल हो चुका है, अभी भी हो चुका है, दिस इज द लास्ट वोट, क्योंकि गैंग नहीं गई फिनाले में, अगला एक इंसान गया। आई नो मैंने स्टार्टिंग से बहुत एफर्ट्स लिया है, सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हमारे गैंग से है और अगर है तो मैं कहीं ना कहीं डिजर्व करती हूँ। मैं एक आइडिया देना चाहती हूँ तुम लोगों को, अब जो अगले दो तीन दिन है ना, एकदम खुश रहो, एकदम दोस्ती में रहो, एकदम मजे करो, ये वापस तो नहीं आने वाली जर्नी, सो जस्ट इन, अब मत लड़ो वोट आउट में, जो कांड करना है कर देना, लेकिन लड़ो मत, क्योंकि दिस इज इट, दिस इज द लास्ट बिट, सो जस्ट अगर किसी से एनिमोसिटी भी है जस्ट गेट टू नो ईच अदर, क्योंकि क्या पता दैट पर्सन कैन बी योर फ्रेंड फॉर लाइफ। आज आखिरी वोट आउट है यार, थैंक गॉड, इतना टॉर्चर होते थे हम लोग वोट आउट से पहले, स्ट्रेस, इतना लड़े हैं एक दूसरे से वोट आउट के चक्कर में, गैंग लीडर्स की बैंड बज गई, इतना वक्त लगा हमें दोस्त बनने के लिए, सब वोट आउट की गलती है। यस, देखो वोट आउट में क्या होगा हमें किसी को नहीं पता, ठीक है, पर मैं एक बार तुम सबके लिए तालियां मारूंगा, क्योंकि रोडीज को सर्वाइव करना और लास्ट वोट आउट तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आज के वोट आउट में सिर्फ एक, एक, दो, क्या ओ थैंक गॉड, आप में से सिर्फ एक वोट आउट होगा, लेकिन हे भगवान, मेरे पास तीन कार्ड्स हैं, ये हैं एलिमिनेशन कार्ड्स, तीनों खाली हैं, पर जिनका भी नाम इन तीनों एलिमिनेशन कार्ड्स पर लिखा जाएगा वो लोग भी साथ में घर जाएंगे। चार, होप फॉर द बेस्ट। प्रियंका, प्रियंका, इनका खुद का वॉइस नहीं है, ये टास्क करने से बचते हैं और अंदर ही अंदर गेम खेल के आगे बढ़ना चाहते हैं। Pretty obvious. आप obvious ना? क्योंकि तो मैं पिच नहीं करने गई ना इनके पास, और जो लोग गए उन्होंने भीख मांगी कि हमें बचा लो बस। इम्यूनिटी के लिए अपने पिच क्यों नहीं मांगा? सर स्टार्टिंग से ना मैं सबके साथ ना बहुत क्लियर गेम खेली है, मैंने कभी पीठ पीछे गेम नहीं खेली है, तो मुझे लगता था कि फ्रेंड्स हैं। एक बात बताता हूँ तेरे को, रोडीज का फाइनल राउंड चालू है, ठीक है, लोग फिनाले में पहुंच चुके हैं, उसके अंदर भी अगर हम लोग डोर देखेंगे यार कि मेरा फ्रेंड है मुझे वोट तो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो फिर तो बेटा घर पे जाके टीवी पे देखना पड़ेगा अपने आप को। प्रियंका, दिस वन्स फॉर पीयू, आजा प्रियंका, मेरी जर्नी एंड होती है यहाँ पे, वो भी मैं सिर्फ इसलिए गई क्योंकि लोगों के पास वोटिंग सिस्टम था, अगर टास्क की बारी होती तो शायद मैं फाइनल्स में होती। प्रियंका, स्टेज पे आके तो वोट आउट हुई है, आज आखिरी मौका है, क्या कहना चाहती है? मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रोके जाना है या मेरे को किसी से प्रॉब्लम है, जो आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, मैंने जो करा मैंने अपने लिए करा, ठीक है, सो फार टॉप 9 में आके मैं यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, ठीक है, बाहर की दुनिया है, बाहर मिलते हैं बाकी लोगों से। चलो, अभी तूने इतना कमाल का गेम खेला है और तू वोट आउट हो गई है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ गेम, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू अकेली जाए। मैंने कहा था कि वोट आउट एक होगा लेकिन घर जाएंगे चार, तो
खाली हाथ तेरे को जाने नहीं दूंगा मैं। थैंक यू सो मच। एक एलिमिनेशन कार्ड मैं तेरे को देता हूँ, तू जिसका नाम यहाँ पे लिखेगी उसको तू साथ लेके जाएगी। सो प्रियंका, ये आपके पास कार्ड है जिस पे आपने जो नाम लिख दिया वो लिख दिया। प्रियंका सोच के करना। मेरा नाम लिखा भाई। मैं वोट आउट करती हूँ सचिन को। ठीक है, प्रीटी ऑब्वियस कि वो कभी भी अपने शब्द का नहीं रहा है। एंड दिस इज फॉर माय टीम, दिस इज फॉर सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मत बोल ब्रो, मैं तेरे लिए नहीं करता। यार थैंक यू, मैं तुझे दे रहा हूँ थैंक यू। तू भी किसी ना किसी को लेके जाएगा। ओहो, अब मजा आएगा ना मेरी जान। लाओ दीजिए सर। बड़ी जल्दी है कार्ड लेने में। सर मैं नाम पढ़ने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ, मेरा ये कोई पर्सनल नहीं है किसी के साथ भी जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ, पर मेरे पास जो तीन लोग खड़े हैं, जो लोग दो मेरी प्रायोरिटी पे, मैं उनको वोट आउट नहीं कर रहा हूँ। मैं वोट आउट कर रहा हूँ आशिका को। अबे यार तुझे पर्पसली नहीं पिच करा है सचिन यार, देखो पर्पसली नहीं पिच करा है सचिन। मैंने यार, देख मैं तेरे को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर तू मेरे लिए खड़ा था तो मैं आज तेरे लिए खड़ा हूँ, ठीक है। अगर मुझे तेरे लिए कुछ करना पड़ेगा तो इस मोमेंट पे कर पाऊंगा, तेरा नाम लिख दूंगा, तू घर चला जाएगा, अपने लिए खेलना भाई। सर इसके बाजू में नहीं रहना, तू इधर आ जाएगा। इधर मेरे बाजू में आ जा। आशिका सोचा था कि वोट आउट हो जाएगी। हाँ सर, स्टार्टिंग से मुझे पता था, मुझे शिवी ने बोला था सचिन किसी का नहीं है, मैं शिवी से लड़ गई। मुझे प्रियंका ने बोला सचिन किसी का नहीं है, मैं प्रियंका से लड़ गई उस बंदे के लिए। उस बंदे ने जो इसका दोस्त है, इस उसने भड़काया वासु और सबको कि इसको वोट आउट करो। भड़काया नहीं है भाई, अपना स्टैंड है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कोई बात प्रियंका सुनती है, तू बाहर जाके देखिएगा ना, सचिन तेरे लिए इतना लड़ी हूं ना मैं, शिवी से लड़ी हूं मैं, इससे लड़ी हूं तेरे लिए, लड़ी हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं, दूसरी चीज किया था ये सच। प्रियंका सुन, मैं क्या बोल रहा हूं, इन मैं हिमांश गाली मत दे मेरे को, ठीक है, गाली मत दे, तेरे पीछे नहीं घूम रही थी मैं, गाली मत दे, तेरे पीछे नहीं घूम रही थी मैं, तो मैं भी तेरे पीछे नहीं घूम रही थी। अबे चुप रह, चल मैं आज ही बाहर आ अपना काम कर, ठीक है, जाके तेरे पीछे घूमूंगा मैं। तू यहां पर ही चौधरी है, ठीक है, कुछ नहीं हूं, अपने जो वार्ड में ना वार्ड में रहती हूं। हिमांशु को भी निकालती, यहाँ पर मैं आई हूँ खुद के लिए आई हूँ, ना हिमांशु के लिए आई हूँ ना किसी के लिए आई हूँ, खुद के लिए आई हूँ, खुद को जीतने के लिए आई हूँ। ये मैंने हिमांशु से भी क्लियर किया है, हिमांशु ने भी मेरे से क्लियर किया है। पहला गेम फिर अपन। आशिका गेम खत्म नहीं हुई है तेरी, जैसे मैंने कहा कि एक आखिरी दाव तेरे को खेलना है। लिख दे जिसकी किस्मत लिखनी है। जैसा आपने बोला कि अमेले पहले गेम है फिर बाद में हिमांशु, लास्ट लड़की बची यहाँ पे, तो आशिका लेट हर टू गो इन फ्रंट, ट्रस्ट मी ब्रो। चलिए घर जाने से पहले देखते हैं कि यहाँ पे आशिका ने क्या लिखा। आशिका अगर मैं जाऊंगी तो मैं हिमांशु को बहुत मिस करूंगी। मजा ले रही है। तो मैं चाहती हूँ वो आए मेरे पास, पर जीत के आए। सॉरी तनु, मैंने स्टार्टिंग से बोला मैं हमेशा गैंग के लिए रहूंगी, खुद के लिए फर्स्ट रहूंगी और सेकंड गैंग के लिए रहूंगी। मैं जेन्युइन नहीं चाहती, अगर तनु इसके अलावा कोई भी ऑप्शन रहता ना, मैं तुझे लिख के देती हूँ, मैं तुझे कभी वोट ना करती। यार फेयर है यार। तनु आजा। जब मैं रोडीज में आई थी तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी आगे तक जाऊंगी। दुख लग रहा था यार कि वहां से जर्नी यहाँ तक आ गई, पटियाला से काजा तक, और बहुत सरवाइव किया हमने, बहुत सारी चीजें, बहुत मेमोरीज बनी। Fully Paltu, fully entertaining. Like, share and subscribe to our channel, Fully Paltu.